हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। एएसपी राजेश रघुवंशी के नाम से मांगे 7 लाख। एसआईटी ने रंगे हाथ दबोचा, विशेष जांच दल एसआईटी ने अनूपनगर निवासी निहाल तायरे को गिरफ्तार किया है। आरोपित एएसपी पूर्वी 2 राजेश रघुवंशी के नाम 7 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। पेट्रोल पंप संचालक अनंत पांडे से 1 महीने पूर्व 3 लाख रुपए ले चुका था। पुलिस को उसके मोबाइल में अफसरों के नाम से रुपए मांगने की रिकॉर्डिंग भी मिली है। एसपी पूर्वी आशुतोष बागरी के मुताबिक निपानिया निवासी अनंत पांडे ने बुधवार दोपहर ही शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व दिल्ली निवासी कारोबारी पवन कुमार गोयल से ओमेक्स 2 बाईपास में 85 लाख रुपयों में 2 प्लॉट का सौदा किया था। पवन ने एक प्लॉट की रजिस्ट्री तो कर दी, लेकिन एक प्लॉट के लिए झांसेबाजी करने लगे। निहाल ने उनसे संपर्क कर कहा उसके परिचित जीतू की एएसपी पूर्वी 2 राजेश रघुवंशी से दोस्ती है। जीतू के माध्यम से एएसपी के जरिए पवन पर दबाव बनाकर रजिस्ट्री करवा सकता है। इसकी एवज में एएसपी को 7 लाख रुपए की रिश्वत देना पड़ेगी। अनंत ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और 1 महीने पूर्व पहली किस्त में 3 लाख रुपए दे दिए। काम न होने पर अनंत ने दबाव बनाया तो निहाल बहाने बनाने लगा और कहा, साहब एएसपी ने शेष राशि मंगवाई है, आप अभी 2 लाख रुपए दे दो तो काम हो जाएगा। अनंत को उसकी बातों पर शक हुआ और वह खुद ही एएसपी के पास पहुंच गया। उन्होंने एसपी को घटनाक्रम बताया और गिरफ्तारी के निर्देश दिए। गुरुवार को अनंत के जरिए खबर भिजवाई कि वह 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आरोपित जैसे ही रुपए लेने पहुंचा निरीक्षक देवेंद्र मरकाम, एसआई गुलाब सिंह रावत की टीम ने रिंग रोड से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता है। जिस प्लाट को लेकर विवाद हुआ वह उसके माध्यम से बिका था। उसके मन में लालच आ गया और अनंत से रुपये ऐंठना शुरू कर दिए। आरोपित ने बताया कि 3 लाख रुपयों में से 1,70,000 रुपये प्लाट की बुकिंग में जमा करवा दिए, शेष रुपयों से कार की किश्त और मकान का किराया दे दिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।